भाई अभी हम प्रिंस होटल पे हाईवे पे है भाई। जो मेरे वाइपर नाच चल रहा है भाई यहाँ पे। हो गए पांच। तो भाई दोस्तों कैसे आप सब? देखो भाई अभी हम आए हैं प्रिंस होटल पे। तो दोस्तों ये खड़ी अपनी बाइक और यहाँ पे भाई GT 650, RC 200 और भाई बहुत सारी बाइक है, जैसे कि स्प्लेंडर होगी भाई, HD, R15, V3, V4, मतलब V4 नहीं है भाई, पर जो भी है भाई बहुत लाइन अप तगड़ा भाई। अभी हम यहाँ से खा के रोटी पानी खा के और भाई अभी चलते हैं और भाई अभी आपसे चल अभी भाई यहाँ से चलते हैं और भाई जहाँ तक है ना, मतलब कि 10 या 15 किलोमीटर की भाई राइड करेंगे और अभी भाई सिटी सो स्टंट करके दिखाऊंगे। भाई साहब भाई साहब देखो भाई अपना लाइन भाई RC 200 ड्यूक भाई RC 125 भी आ चुकी है भाई, सब सारे भाई आ चुके हैं भाई भाई देखिए को भाई भाई का बर्थडे और भाई 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं भाई के। भाई इस खुशी में भाई तो चालू भैया। ओके दोस्तों अभी हो गया भाई खाना पीना और भाई अभी करते हैं थोड़ी सी राइड और भाई अपनी पलटन और ये भाई सब अपने ब्लॉग्स बनाते हुए भाई सब अपने ब्लॉग बनाते हुए भाई ये भाई भी भाई और भाई अभी चलते हैं ट्रिप पे भाई, देखते हैं कहाँ से चलते हैं कहाँ नहीं भाई। इस भाई की मानेंगे सब, जो भी मानेंगे ये पता नहीं भाई कहाँ की टूर जीत भी हो कहा देखा ना वही चलेंगे सब, पर कह नहीं रहा भाई, ये एक बार भी नहीं कह रहा भाई। बस में बैठी हुई है लेडीज लड़की भाई और भाई सब्सक्राइब करवाने के लिए जा रहा है यूट्यूब पे, यूट्यूब सब्सक्राइब करवाने के लिए जा रहा है भाई रे दमदार दिल वाला बंदा भाई ये भाई ये भाई ओहो भाई साहब ये भाई ये भाई साहब बहुत तगड़े भाई। वंस मोर भाई साहब क्या खतरनाक स्टंट मारा। देखो भाई कितने लोग ये भाई ये दे भाई कैसी है सही है भाई पर नाच चल रहा है यहाँ पे ये भाई जे और अरे ये दूध की बाइक है भाई, दूध मौजूद करा रही ना स्टैंड टाले स्टैंड देख रहे भाई। बिल्ली वाली मार ले इसमें वो बर्नआउट ना लगे रोलिंग बर्नआउट हवा कम होनी चाहिए हैं।
चलो भाई अब आगे चलते हैं भाई, राइडिंग पे भाई सब जा रहे हैं सब भाई। चलो भाई अब हो चुके हैं भाई, बिल्ली भी मार ली भाई, सारे काम हो चुके हैं। और भाई ने GT50 भाई वो कहाँ पे गई, देखो भाई ये KTM वाला भाई क्या बाइक लग रहा भाई, मस्त नाइस। चलो भाई पीछे अगला ठार ले वो भी। आज भाई बहुत तगड़ा ब्लॉग होने वाला है ये भाई, GT650 भाई चलती है भाई, मस्त लग रही है, बिल्कुल हैवी पण में दिख रही है। 350 अच्छा ऑन रोड कितनी पड़ती है ब्रदर? या भाई ढाई की, ढाई की। ओ भाई साहब आजा, अरे उनको बता लें देते भाई साहब, जीती भाई क्या चल रही है भाई, बिल्ली भाई क्या लग रही है, सुपर लग रहा है भाई। और भाई जब पीछे चल रहे भाई, बिल्ली भाई भाई, ग्रुप के साथ भाई क्या लग रही है भाई, आर 15 देखो भाई, देखो भाई मत लग रही है भाई, मत मत लग रही है भाई। यहाँ से थोड़ी ऐसे हो गई थी कि आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही थी, पर भाई जो R15 की यहाँ पर लुक लग रही थी ना, वो उसी की बाइक की लुक थी। और भाई जिसको पिछला टायर ना भाई, इसने 160 का पता नहीं 170 का डलवा रखा, जो कि भाई निंजा 300 से भी ज़्यादा बड़ा टायर था। और भाई जो चलने में जो बाइक दिख रही थी ना, शायद ही भाई कोई वैसा रिएक्शन दे सकता है। पर भाई R15 दो थी भी थी, और चल रही दोनों भाई फ्रेंड, मतलब इतना सवाद आ रहा ना भाई रोड पे भाई फ्रेंड। पर भाई जो V13 इसको ना लोग देख के भाई पागल से हो जाते भाई, जितने सब कह रहे थे भाई इससे ज्यादा देख भाई नहीं भाई, बार बार मैंने इसको बस में ना, अभी बस रिएक्शन देखते जब आप थोड़ी सी आवाज कैसे हो सकता है, देखो भाई मतलब सुन देने जा रही है इसने ना भाई, क्योंकि पावर भी बढ़वा रहे कैसे बढ़ा रहे वाली ना, उससे भी ज्यादा बात रही है ये KTM ना, इससे भी ज्यादा बात रही है भाई। तो भाई मतलब बस के रिएक्शन देख भाई क्या रिएक्शन आ रहे थे पतले भाई, भाई क्या चल रही है भाई, दोनों भाई भाई तो भाई मैं आप सबको बता दूं, जो KTM RC 200 है ना भाई, इसका जो बैग ले रखा भाई, ये ना कैप्टन अमरीका की नहीं है भाई,
उसकी तरह है भाई ये बैग, पता नहीं भाई अच्छा लग रहा है भाई, केटीएम वाला भाई ये बाइक बिल्कुल भी छपरी नहीं था, ऐसे लोग बोलते ना भाई केटीएम छपरी नहीं भाई, बिल्कुल मीडियम अच्छी तरह चला रहा बाइक देखो भाई। पर भाई जो ये R15 V3 है ना भाई, इसका कोई भी जवाब नहीं है पूरी भाई, कितनी हिम्मत जो कि GT650 है ना भाई, भाई पूछो मत यार, उससे भी अच्छी भाई सब को ये लगी भाई, इससे ज़्यादा कोई तगड़ी बाइक है ही नहीं भाई। आगे मैं अभी बना थोड़ी कट करता हूँ बीच में से, अभी देखना आगे कि क्या क्या होता है GT650 के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। भाई क्या लग रही है भाई इसकी बाइक, दस आ गया भाई, कति गणी कदम लग रही है, एक नंबर है बात, दस पटाखे कदम मार रही है भाई, आवाज थी भाई गणी मस्त थी भाई। अच्छा भाई साहब भाई सबसे क्रेजी ना रोडवेज बस में रिएक्शन आ रहे थे भाई बहुत कसूचे रिएक्शन थे यार, वे लुगाई लाल से शीशा में निकलने के लिए हो रही थी कलर है ना जो भाई ये, इसको कौन सा कलर बोलते ब्रदर ये, मिस्टर क्लीन भाई, मिस्टर क्लीन ये है ना कलर भाई, बहुत मस्त लग रही है भाई। और भाई ऊपर से भाई है मतलब झुक के चलाता ना भाई, पकड़िए भाई राइडिंग पोल से भाई, देखो मतलब धासू लगती है भाई, एक नंबर गच। टॉप स्पीड कितनी चढ़ जाती है भाई, मैंने तो 170 टच करा लिया है, 170 टच करा रखी है, 180 क्लेम करा है कंपनी, 180 भाग लेगी, 200 स्पीड है भाई इसमें, 200 R15 और भाई सिटी 100 क्या बोलेंगे भाई, ये 110X है और भाई R15 ये V3 RC200 भाई, वो V2 है ना, वो V2 है ना मॉडल, वर्जन टू भाई। और भाई ये अपनी 2023 एक्सट्रीम स्टाइल एडिशन में भाई हीरो की भाई मतलब कि थोड़ा पिकअप तो भाई इनका इनसे नीचे ही है भाई, पर भाई आज का ब्लॉग ना भाई बहुत अच्छा हुआ, और भाई हम हर संडे को भाई अपना ऐसा ही ब्लॉग डालेंगे कि अब तो भाई हम डेली टू डेली भी कर दे राइड भाई यार। और भाई BMW X1000R आई थी भाई, वहाँ पे ना भाई ने टायर ख़त्म कर दिया भाई ने, टायर अपना फाड़ लिया वहाँ पे, वे कर रहा था बर्नआउट कर रहा था, देख रहे हो भाई ये जहाँ से बहुत गर्म टायर हो रहा भाई, अभी भी भाई साहब ने ना बर्नआउट करके भाई पूरा टायर ख़त्म कर लिया अपना। और भाई ये भाई अपने मोटर वर्ल्ड भाई, ये भी भाई ये जड़ी ना भाई ये भी 380 के अंदर है भाई, और ना भाई हमें डबल साइलेंसर मिलते हैं भाई, मतलब मस्त बाइक है भाई। ये बाइक है भाई, देखो भाई सुपर बाइक साथ आगे मिल जाएगी जहां तक है, भाई क्या पटाखे तोड़ रहे हो भाई, लग रही है भाई ये, भाई ये पीछे से नहीं ना भाई बहुत मारा था टायर लगवा रखा भाई पीछे से,
R15 है और भाई ऐसा लग रहा है R15 N है, जो कि भाई कम से कम 30 लाख रुपए की बाइक पड़ती है भाई, ऐसा लगता है वो बाइक है, पर भाई ये बाइक ना 2 लाख के अंडर की है और भाई इसको तो बता नहीं सकता यार। और भाई इसको चला सकते तो भाई और क्या दिया भाई, इसको तो मैं बड़ा देख रहा भाई। कितनी मस्त लग रही है भाई, सब में स्टॉक था और भाई जो बाइक एक्राफ्ट था और भाई मेरी SC प्रोजेक्ट था और इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक आवाज आ रही थी। और भाई अभी ना 1 मिनट के दे, अभी देखना भाई अभी रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, ऑटो पे देखना रिएक्शन। भाई ये आज का दिन भाई मैं कभी नहीं भूलूंगा, संडे का फर्स्ट राइड था भाई, फर्स्ट वाला मतलब कि पहली बार संडे में भाई मैं अपने राइडर दोस्तों से मिला हूं भाई। दूध सप्लाई करके भी आ लिया सुबह 6 बजे जो कि 1.5 काउंटर था, सुबह 3 बजे सोनीपत में जा लिया था। ये भाई सोनीपत से पहली बार ज्वाइन किया, कैसा लगा नितिन भाई? भाई बहुत अच्छी राइड थी भाई, भाई अपने साथियों से भाई मिलके बहुत अच्छी राइड भी और मजा आएगा। हाँ और यार मैं चाहूँ भाई बड़ी राइड लंबी राइड मिले, चले ये कदम काम तगड़ा ये नहीं लगेगा भाई। रन आउट करा था भाई 10 आर के सामने भाई, और भाई ये भी भाई दासी मस्त लगती है भाई, बाइक अच्छी लग रही है। अभी भाई हो गया ठंडा फंडा और भाई अभी चल रहे हैं घर पे का थोड़ी अभी ड्राइव करते हैं भाई, देखते हैं भाई इसकी साउंड सबसे अच्छी आ रही है पूरे इसमें। इतना सवाल आ रहा ना ग्रुप में भाई, पता नहीं यार अगली बार आना भाई इसका माइक का सोल्यूशन करके लेके आऊंगा।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। और भाई अभी हम जा रहे हैं घर पर, और भाई वे जो पहले वाले GT650 वाले थे भाई वे उस तरफ रह गए, दूसरे हाईवे पर चले गए अपने अपने घर। और भाई मैं यहाँ से रोहतक से फरमाना, फरमाना से सोनीपत यहाँ से चला आया। और भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भाई आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और भाई नए बंदे हो तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके जाना। और ठीक है भाई, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टाटा सी यू भाई, सब अपना ध्यान रखना। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए।